और इस तरह सीता संपूर्ण नारी जाति की प्रतिनिधि के रूप में मानव मानव समाज की शक्तिशाली दिव्य आदि माता के स्वरूप में प्रकट होती है। नमस्कार। आकाश में वह नीर में वह क्षीर में सागर। संगीत में वह आदि में वह मध्य में अनंत में। प्रयत्न में समृद्धि में वह योग में।